फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नायरा क्रिएटिव एंड साइंस। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न तो भर दिए हैं तो उसका स्टेटस कैसे देखें, मतलब रियली अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया है या इन प्रोसेस में है, वो मतलब ITR प्रोसेस हो चुका है कि नहीं हुआ है, कौन सा स्टेज में है, वो देखना कैसे है? मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, वो भी स्क्रीन में दिखाऊंगा। ओके, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपका जो भी रिटर्न भरे हैं इनकम टैक्स रिटर्न और उसका स्टेटस कैसे देखेंगे आप। ओके, चलते हैं इनकम, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में ले चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है ना, इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in में जाना है। ये जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम जैसे क्लिक करेंगे ऐसे कोई इंटरफेस आएगा, उसमें दो रजिस्टर्ड यूजर एंड हाउ, मतलब रजिस्टर्ड योर सेल्फ। अगर आप रजिस्टर्ड है तो उसमें लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए। ओके, चलिए मैं रजिस्टर में लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें लॉगिन में कुछ अलग सा इंटरफेस खोल के आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या रहता है, ये गवर्नमेंट का साइट से इनकम टैक्स का साइट है, तब ऐसे ही इंटरफेस खोल के आएगा। अगर रजिस्टर्ड किए हैं तो, नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए, तो भी जाके आप लॉगिन कर पाएंगे, तो रजिस्टर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसमें यूजर आईडी आपका, पैन नंबर देना है, पासवर्ड आप जो सेट किया होगा प्लस कैप्चा जो है वो डाल रखना है। मैं पूछ करके मैं अपना डाल लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, तो अपना अपना आप भी लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ये लॉगिन करने के बाद, क्योंकि मैं वीडियो को पॉज कर दिया था, ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी देखिए ऊपर में दिख रहा है ना, सपन कुमार, क्योंकि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो आप ही लॉगिन करेंगे तो आपको ना दिखाई देगा। तो इसमें क्या करना है, आपको नीचे देखिए ऑप्शन दिख रहा है फिलिंग इंटरफेस रिटर्न और व्यू रिटर्न और फॉर्म, इसमें क्लिक कीजिए। अब उसमें जैसे क्लिक करेंगे एक कुछ ऐसा इंटरफेस खोल कर आएगा। इसमें देखिए ये पान नंबर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा सिलेक्टेड ऑप्शन, ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक कीजिए, उसमें लिखिए इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद सबमिट। सबमिट करेंगे तो हम देखिए जितना भी इनकम टैक्स आपने भरा होगा सब खुल जाएगा उसमें। ये देखिए ए आर का 15-16 बॉक्स में जितने भरा हूँ, तो उसमें कुछ देखिए स्टेटस कुछ है, देखिए ITR प्रोसेस सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, मतलब जो ITR प्रोसेस में उसका काम खत्म हो गया। और ये देखिए सक्सेस ई वेरीफाई, मतलब ई वेरीफाई किया है हमारे फाइल रिटर्न किया है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो ऐसे स्टेटस रहेगा, वंस कंप्लीट हो जाएगा तो ITR प्रोसेस लगेगा, तो भी आप समझेंगे कि आपका काम हो चुका है, तो ITR प्रोसेस हो चुका है। ओके, और ई वेरीफाई कैसे करना है फाइल को मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इनकम टैक्स को ई वेरीफाई कैसे करना है। We'll be right back.